की बढ़ती मांग बढ़ा रही है सरकार की टेंशन। कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा दबाव। महाराष्ट्र में रोजाना ऑक्सीजन की मांग 424 मेट्रिक टन पर पहुंची। प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग पहुंचने पर लगा दिया जाएगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। दरअसल राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेहताशा इजाफा हो रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 424 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दैनिक मांग है। ये मांग दिसंबर महीने में 270 से 300 मीट्रिक टन के बीच थी। वहीं ऑक्सीजन की बढ़ती मांग से राज्य सरकार की टेंशन बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने चेतावनी दी थी, जिस दिन राज्य में रोजाना ऑक्सीजन की मांग 700 मीट्रिक पर पहुंच जाएगी, उस दिन राज्य में ऑटोमेटिक लॉकडाउन लग जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई।